आरामदेह स्वेटर, बूट के नए रुझानात, तहदारी के तमाम मौके, ये आपकी अलमारी को ताज़ा करने और पसंदीदा पिंटरेस्ट के लाइक मौसम खिजां के लिबास के आइडियाज़ को आजमाने का बेहतरीन मौसम है। और हमें काम के लिए बेहतरीन अंदाज मिल गए हैं। ज़ेल में हम 2 & 33 के मौसम खिजां के फैशन के तमाम रुझानात को तोड़ रहे हैं। सबसे खूबसूरत बैरूनी लिबास से लेकर जूतों तक जो हम पूरे मौसम में पहनते जा रहे हैं, लिहाजा आरामदेह हो जाएं और खिजां के रुझानात और तर्जों के लिए स्क्रॉल करते रहें जिनके लिए हम फ़िलहाल गिर रहे हैं। ग्रीन वेंडिंग शो के प्रोडक्ट्स के इंतखाब को कम्युनिटी के ज़रिए तैयार किया। मौसम खिजां 2023 में कौन से रंग रुझानात में हैं, हम आपको बताते हैं। 2023 के मौसम खिजां में एक रंग सबसे ज़्यादा राज कर रहेगा, अमीर चीरी सुर्ख। इस मौसम में हर जगह इस चमकदार और जेली रंग को देखने के लिए तैयार हूँ। स्वेटर से लेकर हेलून तक, हत्ता के जूते तक, ये मौसम खिजां के फैशन के आम खामोश रंगों के मुकाबले में तवानाई का एक फट है और ये हमारी खिजां की ख़रीदारी की फहरिस्त में नंबर एक रुझान है। इस तरह के बोल्ड अंदाज में धाती चांदी का रुझान 2023 के मौसम खिजां में भी बरकरार है। अगर आपने अभी तक अपनी अलमारी में कुछ चमकदार अंदाज शामिल नहीं किए हैं तो अब आपका मौका है। अगर आप इस साल अपने फॉल आउटफिट आइडियाज़ के साथ कोई बयान देना चाहते हैं तो ये बेहतरीन रंग है। स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर क्लासिक और लाजवाब रंग भी 2023 के मौसम खिजां का फैशन के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। सोचें स्याह, बहरिया, नीला, ऊंट ब्राउन और जैतून सब्ज। बहरहाल आपको सुर्ख और चांदी के इन चमकदार वापस के साथ जोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा ही कम अहमियत की ज़रूरत है। मौसम खिजां 2023 के फैशन के रुझानात पिछले सालों से कैसे मुख्तलिफ हैं, अगर मौसम खिजां का फैशन आम तौर पर आरामदेह स्वेटरों, आरामदेह लेगिंग्स और क्लासिक जीन जैकेट्स की तस्वीर बनाता है, मौसम खिजां 2023 में हम मज़ीद बयानात के टुकड़ों को ट्रेंड चेट में दाखिल होते देख रहे हैं। हमें गलत न समझे, वो तमाम फॉल क्लासिक अब भी स्टाइल पर हैं। नीचे दर्जे की बुनियादी बातों के फैशन का रुझान देखें और इस सीज़न में हमारे ज़्यादातर लिबास ऐसे नज़र आएंगे जैसे वो गिलमोर गर्ल्स एपिसोड से सीधे बाहर निकले हों। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी ज़हन नशीन कर लें कि आप किस तरह का लिबास पहनना पसंद करते हैं। आप रंगों के बोल्ड पॉप्स
غیر متوقع تفصیلات اور گزشتہ برسوں کے چند موسم خزاں کے فیشن کو رجحانات کی واپسی کی بھی متوقع کر سکتے ہیں۔ ہیلو، موسم خزاں 2023 آپ کے لیے بہت سے پسندیدہ خیالات کے انداز اور رجحانات کو بھی واپس لا رہا ہے، لیکن ایک جدید موڈ کے ساتھ۔ پریپی ملبوسات بیک ٹو اسکول سیزن کے دوران ہمیشہ واپسی کریں گے، لیکن اس سال ٹرینڈ کو ایک ٹھنڈی لڑکی کی تازہ کاری مل رہی ہے، ہم اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ موسم خزاں 2023 کے لباس میں کون سے مواد کا رجحان ہے؟ اگرچہ چکنی نٹس، فیزی فیبرکس اور کلاسک ڈینم موسم خزاں کے فیشن کے لیے ہمیشہ آن ٹرینڈ رہیں گے، کچھ آؤٹ ٹرینڈ مواد ہیں جنہیں آپ اپنے 2023 کے موسم کی الماری میں شامل کر سکتے ہیں۔ سراسر کپڑے اس وقت بہت بڑے ہیں، اور یہ رجحانات ان سردی کے موسم خزاں کے دنوں میں کچھ جلد کو ننگا کرنے کا ایک تفریحی طریقہ ہے۔ لیدر اور غلط چمڑا بھی سیزن کے لیے ایک لازمی چیز ہے، خاص طور پر رنگی بریکر سے متاثر اسٹائل میں۔ یہ چمڑی کے موٹو بوٹس آپ کے لیے نئے پسندیدہ موسم خزاں میں ہونے والے ہیں۔ کسی بھی موسم خزاں کے لباس اور الماری کے عناصر، جتنا ہم موسم خزاں میں فیشن کے نئے رجحانات کو آزمانا پسند کرتے ہیں، ہم ان ضروری چیزوں کو وہ نہیں بھول سکتے جو آپ کے باقی لباس کو بناتے ہیں۔ آپ کے نئے فیو ٹرینڈ کے ساتھ جوڑا بنانے کے لیے ہماری ضروری چیزیں یہ ہیں، یا خود ہی ان سب کو ہلا کر رکھ دیں۔ جینز کا ایک زبردست جوڑا، فیشن کے رجحانات کو ایک طرف رکھیں، جینز کا ایک جوڑا آپ کے روزمرہ کے موسم خزاں کے لباس کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ ایک ایسی سلہیٹ کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنا سب سے اچھا محسوس کرے۔ ہم فی الحال موسم خزاں کے لیے سلیچی اسٹائل کو پسند کر رہے ہیں، اور یہ آرام دہ سویٹر سے لے کر بلی کے بچے کے ہیلس تک ہر چیز کے ساتھ ہے۔ ٹرٹل نیک ٹاپس چکنا لگیں اور ایک وزادار ٹرٹلنگ کے ساتھ مزیدار رہیں۔ یہ بچے متذکرہ بالا جینز سے لے کر جدید میکسی اسکرٹ تک ہر چیز کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ انہیں لباس اور سویٹر کے نیچے بھی ایک اونچی شکل کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور ہر رنگ میں ایک حاصل کریں۔ چمڑے یا غلط چمڑے کے جوتے، چمڑے یا غلط چمڑے کے جوتے کا ایک بڑا جوڑا فوری طور پر گرنے والا لباس بنانے والا ہے۔ وہ اس سرفرست میں کسی بھی موسم خزاں کے فیشن کے رجحانات کو اگلی سطح پر لے جائیں گے، جبکہ خود ہی ایک بیان بھی دیں گے۔ موسم خزاں 2023 کے گھٹنے اٹھنے اونچا سٹائل ضروری ہے، لیکن ہمیں جینز کے ساتھ جوڑا بنانے کے لیے ٹخنوں کے پتلے جوتے بھی پسند ہیں۔
बुने हुए स्वेटर। ये आरामदेह स्वेटर के बगैर गिरना नहीं होगा। जब आप आग के साथ लिपट जाते हैं, अपने PSL को घूंढते हैं और कद्दू के बीज से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इस साल हम अपने वसी खिजां के स्वेटर कलेक्शन में बटन डाउन कॉर्ड रिंग भी शामिल कर रहे हैं। एक क्लासिक ट्रेंच कोट, जबकि हमारे पास गिरने के लिए बहुत सी जैकेट्स हैं, बशमूल हमारे पास ड्रेन और चमड़े की जैकेट्स। ये बहुत हल्का नहीं है, ज़्यादा भारी नहीं, मौसम खिजां के दरमियान के मौसम के लिए बेहतरीन है। हम इस साल अपने तमाम फल के लिबासों में इस स्याह रंग को शामिल करेंगे। आपके लिबास को मुकम्मल करने के लिए 2023 मौसम खिजां के फैशन लवाजमात का रुझान। जैसा भी कोई भी मौसम खिजां का फैशन प्रेमी जानता है कि मौसम खिजां का कोई लिबास हर चीज़ को एक साथ बांधने के लिए कामिल लवाजमात के बगैर मुकम्मल नहीं होता। इससे पहले कि हम मौसम खिजां 2023 के फैशन के आला रुझानात में शामिल हों, हम इन जूतों और लवाजमात को तोड़ना चाहते थे जिनके साथ हम इन्हें पहनेंगे। ये वो मआवन अदाकार हैं और बाज़ अवकात मर्जी किरदार जो मौसम खिजां में स्पॉट लाइट में अपने लहमे के मुस्तहकम हैं। आएं इसमें दाखिल हों। 2023 के मौसम खिजां में कौन से जेवरात और लवाजमात का रुझान है? 2023 के मौसम खिजां में जेवरात और लवाजमात के रुझानात एक बड़ा और जुर्रतमंदाना तब्दीली हासिल कर रहे हैं। अलविदा मर्से ब्लिंग, हेलो चिकनी बाली और स्टेटमेंट बेल्ट और बोल्ड हार आपके जेवरात के लिबास के ख्यालात को बुलंद करने का बेहतरीन तरीका है। ये बयान के लाजमात खुद ही बोलते हैं। एक और जुर्रतमंदाना और गैर मुतवक्के लवाजमात जो हम इस मौसम खिजां में जमा कर रहे हैं, बयान जुराबों और टाइट्स। ये इन बोरिंग टखनों के जुराबों को रिटायर करने का वक़्त है, क्योंकि इस मौसम खिजां में हमारे मोज़े और टाइट्स देखने के लिए हैं। और आखिरी लेकिन कम अज़ कम बैग, हम अपने मौसम खिजां के लिबास को तफरीही 2023 बैग के रुझानात जैसे डिनम स्टाइल और डिज़ाइनर के साथ जोड़ा बनाने का इरादा रखते हैं। नीज़ मज़ीद अमली ऑप्शन जैसे चिक टोस और सैलीची स्टाइल, अगर आप नए कंधे की क्विंटी में सरमायाकारी करने का बहाना तलाश कर रहे हैं तो इस पर गौर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपके दोस्त अहबाब भी खैर वाफियत के साथ होंगे। अगर आप हमारे